सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पर क्लिक कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अकाउंटिंग टैक्सेशन वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आपने इनकम टैक्स की वेबसाइट से इंस्टेंट पैन कार्ड बनवाया है, जो कि एक डिजिटल सेवा के माध्यम से पीडीएफ फाइल में डाउनलोड किया जाता है, कि आपको उसकी फिजिकल पैन कार्ड बनवाना है या सिग्नेचर ऐड कराना है या उसमें फ़ोटो चेंज करानी है, तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा पूरा प्रोसेस कि आप अपने ई पैन कार्ड से, इंस्टेंट पैन कार्ड से फिजिकल सिग्नेचर वाला पैन कार्ड कैसे बना सकते हैं और कैसे अपना फ़ोटो चेंज करा सकते हैं। दोस्तों, इंस्टेंट पैन कार्ड जो कि आधार के थ्रू बनवाया जाता है, उसमें जो फ़ोटो होता है वो आपका जो आधार में फ़ोटो होता है वो सेम फ़ोटो आपके पैन कार्ड में आ जाते हैं। तो यदि आपको फिजिकल पैन कार्ड पर सिग्नेचर के साथ फ़ोटो भी बदलवाना है तो वो भी मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले गूगल में सर्च करेंगे NSDL और जो सबसे ऊपर लिंक आएगा onlineservices.nsdl.com का, यानी कि ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन का, उस पर आप क्लिक करेंगे और उसको ओपन करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे NSDL की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, यानी कि ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन आपका दिखाई देगा। उसमें आपको सेलेक्ट करना है एप्लीकेशन टाइप, यानी कि यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, नए पैन के लिए इंडियन सिटीज़न के लिए, नया पैन फॉरेन सिटीजन के लिए, या फिर आपको चेंज या करेक्शन करना है अपने एग्जिस्टिंग पैन में तो उसके लिए। जो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करेंगे, यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, इंडिविजुअल के लिए कर रहे हैं या अदर के लिए कर रहे हैं, किसी कंपनी के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे अभी हम इंडिविजुअल के लिए कर रहे हैं तो इंडिविजुअल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। एप्लीकेशन टाइप और कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको फिल करनी है एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि टाइटल, एप्लीकेंट का टाइटल क्या है, लास्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर क्या है, उसके बाद पैन नंबर, जो आपका ई पैन नंबर है वो यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, एप्लीकेंट की डिटेल फिल करने के बाद नीचे जाएंगे और नीचे कैप्चा कोड यहाँ पे एंटर करेंगे और उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक टोकन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपका एप्लीकेशन टोकन नंबर होता है, जिसको आप फ्यूचर में, अगर आपको अभी पैन एप्लीकेशन नहीं फाइल करना है या फ्यूचर में करना है, तो उस टोकन के थ्रू आप उसको दोबारा से एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। तो ये आपको रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको जो नेक्स्ट स्क्रीन यहाँ पे दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपके जो पैन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट हैं वो किस तरह से आप सबमिट करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको सिग्नेचर और फोटो चेंज करानी है तो आपको सेकंड ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करना होगा, सबमिट स्कैन इमेज थ्रू ई साइन। इसको सेलेक्ट करेंगे और नीचे स्क्रोल करेंगे तो आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप को फिजिकल पेन की आवश्यकता है या नहीं है। यहाँ पे चूज़ करना है येस और नो। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको फिल करनी है लास्ट फोर डिजिट्स ऑफ योर आधार कार्ड, यानी कि आपके जो आधार नंबर है उसकी लास्ट की चार डिजिट यहाँ पे फिल करनी है आपको। यहाँ पे फिल करेंगे और उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। आधार नंबर फिल करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे। जैसे नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे आपको यहाँ पे दिखाई देगा आपकी पूरी की पूरी जो एप्लीकेंट की पूरी डिटेल्स हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे उसका जो भी जेंडर है, और नीचे जो भी चेंजेस आपको करने हैं वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमें आपको यहाँ पे अभी हम कर रहे हैं फ़ोटो मिसमैच और सिग्नेचर मिसमैच, यानी हम फ़ोटो ऐड कर रहे हैं, अपना फ़ोटो चेंज करा रहे हैं और सिग्नेचर ऐड करा रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों ये सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको फादर नेम या मदर नेम यहाँ पे फिल करना है। दोस्तों, ये ध्यान रखना है जो भी स्टार मार्क होता है, यानी रेड कलर में जो स्टार जिसके पहले लगा हुआ है एप्लीकेशन में फॉर्म में, तो वो मैंडेटरी होता है फिल करना आपको। अदरवाइज आपको जो बाकी डिटेल्स है उसको फिल करने की ज़रूरत, मैंडेटरी नहीं होता। तो स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड येस, मदर नेम या फादर नेम। यहाँ पे सेलेक्ट करना है फादर नेम का, अगर आप फादर नेम अपने पैन कार्ड पे चाहते हैं तो फादर नेम इस पर सेलेक्ट करेंगे, अगर मदर नेम चाहते हैं तो मदर नेम पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, यानी आपका जो पैन कार्ड आएगा वो किस एड्रेस पे आएगा, ऑफिस एड्रेस पे या रेजिडेंस एड्रेस पे। रेजिडेंस आप अगर सेलेक्ट करते हैं, ये ऑटोमेटिकली आपका जो आधार कार्ड में एड्रेस होता है उस पे ये कुरियर हो जाएगा, आपको उसी एड्रेस पे ये जो पैन कार्ड है, फिजिकल पैन कार्ड आपको मिलेगा। अदरवाइज आप अगर
अगर आप ऑफिस एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं तो आपके ऑफिस एड्रेस पे वो पैन कार्ड आएगा। यहाँ पे चूज़ करेंगे अपना कम्युनिकेशन एड्रेस, नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर या अपनी ईमेल आईडी भी यहाँ पे अपडेट करानी है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपसे पूछेगा डॉक्यूमेंट सबमिटेड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रूफ में आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या अपलोड कर रहे हैं, प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप क्या अपलोड कर रहे हैं, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आप क्या अपलोड कर रहे हैं। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आप क्या क्या अपलोड कर रहे हैं, तीनों में हम क्या करेंगे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं और प्रूफ ऑफ पैन में आप पैन की कॉपी, जो आपका इंस्टेंट पैन कार्ड है उसकी कॉपी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और प्रूफ ऑफ पैन सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे डिक्लेरेशन को फिल करेंगे, अपना नाम वगैरह यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे आपसे पूछा जाएगा, आपसे मांगा जाएगा एक फ़ोटो अपलोड करने को, एक सिग्नेचर अपलोड करने को और जो डॉक्यूमेंट आपने ऊपर सेलेक्ट किए हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और प्रूफ ऑफ पैन, वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, उसकी पीडीएफ फाइल बना के यहाँ पे अपलोड करेंगे। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है जेपैग फाइल, ये फ़ोटो और सिग्नेचर में जेपैग फाइल को एक्सेप्ट करता है जो कि 50 KB जिसका मैक्सिमम साइज़ होना चाहिए, और नीचे डॉक्यूमेंट में पीडीएफ फाइल को एक्सेप्ट करता है जिसका मैक्सिमम साइज़ 300 KB होना चाहिए। तो उसको एडिट करके आप उसके अकॉर्डिंग आप पहले से करके रख लीजिए ताकि आपको इसमें दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो स्क्रीन आपको यहाँ पे दिखाई देगी वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा फॉर्म का प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई देगा, जो जो आपने डिटेल्स यहाँ पे फिल करी है। यहाँ पे आप एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ पे सेकंड नंबर में आपको डालना है अपने आधार की पहली 8 डिजिट्स यहाँ पे आपको फिल करनी होगी। यहाँ पे अपने आधार की पहली 8 डिजिट्स यहाँ पे फिल कीजिए और नीचे स्क्रॉल कीजिए। नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ आपसे पूछा जाएगा आपका पेमेंट मोड, कि आप किस मोड से पेमेंट करना चाहते हैं, ऑनलाइन, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से, डिमांड ड्राफ्ट से। तो यहाँ पे अभी हम पेटीएम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही आप पेमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो चार्जेस लगेंगे, जो आपके चार्जेस होंगे फिजिकल पैन कार्ड के, वो आपके नीचे पूरा की पूरी डिटेल्स यहाँ पे शो कर देगा कि कितने उसके चार्जेस होंगे। यहाँ पे दिखा रहा है फी इंक्लूडिंग GST, ये इंक्लूडिंग GST 106.90 रुपये आपके फिजिकल पैन कार्ड के यहाँ पे लगेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, टर्म्स ऑफ सर्विसेज को यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, आई एग्री द टर्म्स ऑफ सर्विसेज और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कंफर्म पेमेंट करना है, पेमेंट कंफर्म पे क्लिक करना है। पे कंफर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ये रिडायरेक्ट हो जाएगा पेमेंट पोर्टल पे, पेटीएम के पेमेंट पोर्टल पे। पेमेंट करने के बाद आपके पास जो पेमेंट रिसिप्ट आएगी उसमें सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, कि आपको किस डेट में कितना पेमेंट किया है। इसको आप सेव करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए यहाँ पे रख सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपको जो नेक्स्ट स्क्रीन दिखाई देगी वो होगी आधार ऑथेंटिकेशन की। यहाँ आपको आधार के थ्रू यहाँ पे ऑथेंटिकेशन करना है अपने एप्लीकेशन को फर्दर प्रोसेस करने के। नीचे स्क्रॉल करेंगे, इनके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और नीचे ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे योर रिक्वेस्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन इज सक्सेसफुल, आपके जो आधार ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। जो नेक्स्ट स्क्रीन आपको दिखाई देगी वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर फिर से आपको ओटीपी ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही ओटीपी ऑथेंटिकेशन पे आप क्लिक करेंगे आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पे आपको फिल करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कंटिन्यू विद ई साइन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू टू ई साइन पे क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे NSDL इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्विसेज पे। यहाँ पे फिर से इनकी टर्म्स को सेलेक्ट करना है, आपको एक्सेप्ट करना है। आई हेयर बाय ऑथोराइज NSDL ई गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड टू यूज़ माय आधार कार्ड फॉर ऑथेंटिकेशन। ये पूरी डिटेल्स आप पढ़ लेंगे और इसको चेकबॉक्स पे क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेंगे। नीचे अपना आधार कार्ड फिल करेंगे और सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर से दोबारा एक और आधार OTP आएगा, आधार नंबर में जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP आएगा, उसको यहाँ पे फिल करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। आपको एक्नॉलेजमेंट के लिए पूरा का पूरा फॉर्म पीडीएफ फाइल में आप यहाँ से डाउनलोड भी कर पाएंगे। उसके लिए आपको जो पीडीएफ फाइल है उसमें वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। जो पासवर्ड उसका होता है वो होता है आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपने पैन कार्ड में डाली हुई है। उसको ओपन करने के लिए अपना पासवर्ड डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ जो आपका एप्लीकेशन है। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड डालेंगे, आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका पूरा का पूरा यहाँ पे दिखाएगा पीडीएफ। उसको आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अप्लाई करने के लगभग एक वीक के अंदर ही आपका जो पैन कार्ड है, पीवीसी पैन कार्ड है, आपके पोस्टल एड्रेस पर बाई पोस्ट पहुँच जाता है स्पीड पोस्ट के थ्रू। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।